पाठ का शीर्षक है बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। लेकिन वहां वो खुश नहीं थी। बहन! मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया, अभी बिछाती हूँ। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वो परोसो। मजा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। लेकिन ठीक तभी बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया घर में आग तो है ही नहीं। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। कितनी प्यारी,
मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। ये शेर की दहाड़ थी। अरे मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गरज हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। वो इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉ. मंजुला माथुर, पाठ समन्वय डॉ. लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख विजय एस सिंह, कलाकार नीरज यादव, कीमती आनंद, हर्ष बाला, मुकुल मान्या और आरुषि, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।